नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। दक्षिण कोरिया के खिलाफ छद्म युद्ध को आगे बढ़ाते हुए उत्तर कोरिया ने अब एक नया तरीका अपनाया है। नॉर्थ कोरिया ने बलून में इस्तेमाल किए हुए टॉयलेट पेपर, टिश्यूज और जले हुए सिगरेट के खोखे भरकर दक्षिण कोरिया के आसमान में छोड़ दिए। नॉर्थ कोरिया के इस कदम से दक्षिण कोरिया काफी सकते में है। शुरुआत में बलून के अंदर भरे सामान से दक्षिण कोरिया काफी डर गया था। उसे आशंका थी कि कहीं बलून के जरिए बायोकेमिकल अटैक ना किया गया हो। ये बलून दक्षिण कोरिया के सैन्य रहित इलाके में भेजे गए थे। इनमें कई सारे गुब्बारे बिना फटे ही दक्षिण कोरिया की जमीन पर आ गिरे हैं, जिन पर लिखा है कि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के खिलाफ किए जाने वाले साइकोलॉजिकल स्पीकर वॉर को बंद करे। दरअसल 6 जनवरी को नॉर्थ कोरिया ने कम शक्ति के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इस पर दक्षिण कोरिया ने प्रोपेगेंडा वॉर की शुरुआत करते हुए लाउड स्पीकर से नॉर्थ कोरिया के सेना के इलाके में प्रचार किया था। इसे उत्तर कोरिया ने दुष्प्रचार मानते हुए चेतावनी दी थी। इसके बाद अब उत्तर कोरिया ने बलून छोड़े हैं। इसे स्पीकर वॉर के जवाब के तौर पर माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की ओर से छोड़े गए इन बलून में एक टाइमर सेट है। उच्च तापमान वाली गैस के ये बलून छोटे से धमाके के बाद फट जाते हैं। उनमें भरे टॉयलेट में उपयोग किए गए पेपर, सिगरेट के खोल समेत कई तरह के वेस्ट मटेरियल चारों तरफ बिखरने लगते हैं। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल।